आई थिंक गदर के सारे गाने बहुत अच्छे थे। गाने में मैं कह सकता कि ये ज़्यादा अच्छा था या वो ज़्यादा अच्छा था। हर गाने की अपनी अपनी खूबसूरती थी, सिचुएशन के हिसाब से थे, कहानी को आगे लेके जाते थे। मुझे नहीं लगता कि भारत में कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जिसने ओरिजिनल फिल्म जो गदर है उसके संगीत से कनेक्ट ना किया हो। उसका जो संगीत किया था उत्तम सिंह जी ने और आनंद मुखर्जी साहब ने, दोनों ही हमारे देश के दिग्गज कलाकारों में उनका नाम आता है। आज भी उसका म्यूजिक उतना ही रेलिवेंट है। मिथुन ने म्यूजिक बहुत ही अच्छा बनाया है। मिथुन के लिए बड़े चैलेंज की भी बात थी। बहुत एक्साइटेड हुए और बोले सर आपने मुझे पहले दिन ही एक जगह एक पेडेस्टल पर बिठा दिया कि गदर वन का आगे का म्यूजिक गदर टू में मैं कर रहा हूँ। तो मैंने कहा आप नर्वस हो? बोले नर्वस नहीं हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। उसने इतने कमाल नहीं क्रिएट किए दोनों गाने, ऊर्जा और मैं निकला। ऊर्जा काले कावा, काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, इज द सोल, जैसे टाइटैनिक का थीम था, ऊर्जा काले कावा इज द थीम ऑफ कदर। और ऑफ कोर्स मैं निकला गड्डी लेके तो सबकी जुबान पे है। मैं खुद बहुत मुतासर हुआ गदर के संगीत से, चाहे हम ऊर्जा काले कामा की बात करें या मैं निकला की बात करें। हालांकि उस वक्त मैं स्कूल में ही था, लेकिन आज भी वो गाने आई थिंक हर किसी की ज़बान पर है। तो यू कैन डेफिनेटली कॉल मी अ ग्रेट एडमायर ऑफ द म्यूज़िक ऑफ द ओरिजिनल गदर। म्यूज़िक देखिए, गदर वन का म्यूज़िक जो था वो लेजेंडरी म्यूज़िक है एंड वो जनरेशन दर जनरेशन चलने वाला म्यूज़िक है। तो उसके साथ कम्पीट करना ही एक बहुत बड़ी बात थी। तो हमारे लिए बहुत बड़ा डिसीजन था कि किस म्यूज़िक डायरेक्टर को अप्रोच करें। जब मुझे अनिल जी ने कॉल किया था तो मैं ऑनेस्टली बहुत खुश हुआ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे लिए एक ऑनर की बात थी कि गदर, क्योंकि सिर्फ एक मनोरंजन के लिए नहीं है। मुझे लगता है गदर जो ब्रांड है अपने आप में, आई थिंक इसके साथ बहुत सारे जज्बात जुड़े हुए हैं, इसके साथ बहुत सारे कहानियाँ जुड़ी हुई, बहुत सारे ज़िंदगी जुड़ी हुई है इस ब्रांड के साथ, जो मुझे लगता है पिछले 20-25 सालों की बात करें तो मुझे लगता है कि उसका जो दर्जा है वो मनोरंजन से भी ऊपर है। वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं, अंदाज बदलते हैं, म्यूज़िक बदलता है, तमाम चीज़ें बदलती हैं। और मैंने और मित्रों ने यही कोशिश की कि हम उसके आसपास जो बदलाव भी है उसको भी उसी के रंग में बदलें, उसमें कोई अलग रंग नहीं डालें। जब आप सुनोगे उसके अंदर सब कुछ है, मेलोडी अच्छी है, उसकी एक जर्नी है और वो कहानी के साथ बहुत ही अच्छी तरह से जाता है। I don't think Sunny ji and I needed glycerin in even one of those shots to perform because the song itself evokes a mountain of emotions. मैंने यही कोशिश की कि जो उस फिल्म की हिंदुस्तानियत है वो गानों के अंदर शब्दों में भी बनी रहे, उसकी जो मिट्टी की खुशबू है उसकी वो जिंदा रहे। जब पहली बार मुझे सर ने खैरियत गाना सुना, जो दो दो गाने अपने हैं, मैं रो पड़ी। तो मिथुन हैज डन सच एन अमेजिंग जॉब। आई थिंक मैं रिकॉर्डिंग में गई थी अनिल सर के साथ और मैं वहीं पर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे आँख से आंसू आने लगे। मुझे लगा वाह, ये वही बंदा कर सकता है जो जमीन से जुड़ा हुआ है, यू नो। गदर का एक मकाम है, गदर का एक रुतबा है, तो हर चीज उस रुतबे के मुताबिक होनी चाहिए और उसको बरकरार रखने की पूरी कोशिश हमने की है। एक झूम-झूम करके गाना है वो बहुत ही अच्छा है। ईद पे एक गाना है, बहुत अच्छा गाना बनाया है, सिमरत और उत्कर्ष के ऊपर है, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, जो नीति मोहन जी ने गाया है। एंड इट इज़ समथिंग लेजेंडरी। जो उसकी फिल्म मेकिंग हुई है, जो शबीना मैम ने कोरियोग्राफ किया है, इट वॉज़ टिल नाउ इट इज़ द बेस्ट सॉन्ग दैट आई हैव शॉट। मैंने मिथुन के गाने और भी पहले कोरियोग्राफी किए, ऑलवेज फेल्ट ही इज़ वेरी कनेक्टेड, ही हैज़ दैट नमक, यू नो। बट ये गाने जो मिथुन ने बनाए हैं गदर के, बाकी दो तीन गाने हैं अमेजिंग है, किसी लिहाज से पहले के गानों से कम नहीं है। मेरा फेवरेट देखिए इंडिविजुअली लेवल में जब आपको डिफिकल्ट हो जाता है चूज करना कि पांचों में से कौन सा है, फिर भी दिल झूम झूम नहीं गाना। क्या बात, ब्यूटीफुल।
आई थिंक बियॉन्ड आर्ट एक एज अ ह्यूमन बींग आई फेल्ट वेरी वेरी ऑनर्ड अबाउट बींग ऑफर्ड अ फिल्म लाइक गदर 2. मुझे इस बात की बहुत संतुष्टि हुई कि एज अ ह्यूमन बींग की मैं इस दर्जे के प्रोजेक्ट के साथ जो है मुझे जुड़ने का मौका मिल रहा है. आई फेल्ट वेरी वेरी ऑनर्ड अबाउट दैट. उड़ जा काले कावां तेरे मुंह विच खंड पावां ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावां.